बांगरी पोसी पहुंच चुके हैं, यहाँ थोड़ा खाना पीना हो गया, अभी फिर से हम लोग जाएंगे घर और अभी से नॉनस्टॉप जाएंगे क्योंकि शाम तो हो गया है, रात हो जाएगा हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते। ठीक है, छोटा सा यहाँ एक ढाबा है होटल महापात्रो नाम पे। ठीक है, अभी इस रूट में आइएगा तो यहाँ रुक जाइएगा, खाना अच्छा मिलता है। तो अभी हम लोग का जानी फिर से शुरू करते हैं क्योंकि अभी जो बामन घाटी है अभी फिर से हम लोग को मिलेगा, वो थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। ठीक है, that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always so la 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 la. Bandar bahut hai yahan bhai, dekhiye off roading hi hai aur jam to jam, pura jam hai। एक एक बार रुक जा रहे हैं तो एक 15-20 मिनट तक हम रुक ही जा रहे हैं, रास्ता भी पूरा खराब है। वहाँ का लोकेशन देखिए कैसे मस्त है पूरा, हाँ मोबाइल हिल रहा होगा आप लोगों को, उतना अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। रास्ते में बहुत बंदर हैं, यहाँ हाथी भी निकलते हैं क्या? बिल्कुल सही बात बोले आप, लोकेशन देखिए कितना बढ़िया है, ट्रैवलिंग करने में मजा आ जाएगा। यहाँ कभी भी इधर आप उड़ीसा मयूरभंज पांगरी कोसी घाटी आइएगा, जिसको बावन घाटी बोलते हैं, यहाँ कभी ट्रैवलिंग के लिए आइए, बहुत मस्त जगह है अगर ऑफ रोडिंग राइडर करना है तो। जंगल में रोड है, ठीक है ना, तो जंगल के बीचों बीच है रास्ता पूरा, और यहाँ पे अगर रात हो जाएगा तो यहाँ बहुत मतलब क्या बोलेंगे, जाम हो जाता है ट्रक सब का। यही रूट ही जाता है मुंबई तक, यहाँ पे आए दिन हर रोज एक ना एक एक्सीडेंट होते रहता है, तो बहुत संभाल के ही ड्राइव करना पड़ता है। लोकेशन देखिए कैसा है, शायद मेरे पास ड्रोन होता तो फुटेज के लिए अच्छा लगता है थोड़ा। रोड भी पूरा खराब है यहाँ क्योंकि तो बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आ रहा है, और पूरा भीड़ भाड़ रोड भी है, कहीं पे ठोक भी ठोकर भी लग जाएगा तो इंसान गिरेगा तो वहीं पे स्पॉट है। देख रहे हैं कितना खराब ऑफ रोडिंग है, ये राइडर लोग के लिए बढ़िया है ये वाला रूट।
जो ऑफ रोडिंग करते हैं, जो एडवेंचर से पूरा भरा हुआ है। इतना बड़ा गड्ढा है कि यहाँ पर लगता है कि नगर पालिका ने गड्ढा खोद के रखा हुआ है यहाँ पर। और रोड में तो इतना डस्ट है कि क्या बोलेंगे, पूरा डस्ट डस्ट पूरा चेहरा सब, ऐसा लगेगा कि पाउडर लगा के हम लोग घूम रहे हैं। और पाउडर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लड़का लोग भी मेकअप करके घूमेगा यहाँ पर। देख रहे हैं ना कितना ऑफ रोडिंग रोड है। ये भी हम लोग बाइक में ही है। आगे में हम लोग किसी बड़ी एक जगह पड़ेगा, वहाँ हम लोग रुकेंगे। तो माइक तो नहीं लाया, मेरा आवाज़ उतना ठीक से आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। और डस्ट पूरा पूरा रोड है। मैं वीडियो फुटेज के लिए ही मास्क हटाया हूँ, नहीं तो मास्क पहनना ही था मैंने। अभी हम लोग बाबरघाटी से निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे किसोई में, और किसोई से थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद हम लोग रायरामपुर में डायरेक्ट जाकर रुकेंगे, उसके बाद सीधा घर। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग करते करते थक भी जाते हैं ना बहुत, और इतना ऑफ रोड है कि कमर भी दर्द लगने लगता है। ठीक है, मिला है हम लोग को अभी मैनेज का फोरवे वाला, जो कि अभी बिसोई तक है। बिसोई के बाद चुहे रोड मिलेगा, और मेरा दोस्त उधर आगे बढ़ गया हम लोग से। देखिए अच्छा रोड मिला, जैसे वो आगे निकल गया। बिसोई पहुंच चुके हैं। अभी बिसोई में नंदो होटल करके एक जगह है, यहाँ अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पर हैं अभी हम लोग, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे रायरामपुर। ठीक है, रायरामपुर में थोड़ा रुकेंगे शायद, और उसके बाद हम लोग चल जाएंगे सीधा घर, हम लोग का डेस्टिनेशन। ठीक है।